बहादुर है ना, तो एक काम कर, तू जहाँ से आई है ना पीछे से, तुझे ना पीछे कूदना है, जहाँ से तू चढ़ के आएगी ना वहीं पर ही कूदना है, मुझे पता है कि तू चलेगी, ठीक है, बहुत बहादुर है, मुझे पता है, ठीक है, तू पीछे कूद जा। ऋषि और लक्ष्मी की जान में जान, बाल बाल बची पारो, देखा पापा बेटी का प्यार, सी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में पारो के स्कूल में हो गया है हंगामा। असल में खेल खेल में बच्चों ने पारो को दे दिया है चैलेंज कि अगर सच में ऋषि उसके पापा हैं तो वो छत पर जाए और इस कॉरिडोर पर चलकर दिखाए, यानी कि दिखाए अपनी डेयरिंग। ऐसे में पारो ने एक्सेप्ट किया था चैलेंज, लेकिन अब वो फंस गई है। ऐसे में ऋषि लक्ष्मी भी वहां पहुंच जाते हैं और देखिए कैसे सभी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या था कि पारो जैसी बेबाक बच्ची है, उसे किसी ने चैलेंज कर दिया था स्कूल में ये कह के कि वो प्रूव करे कि ऋषि ही उसके पापा हैं। अब क्योंकि बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे, वो चिढ़ भी गई बेचारी बच्ची, और उसने डेयर एक्सेप्ट कर लिया और वो स्कूल की छत पर चढ़ गई। अब बच्चा है, स्कूल की छत पर चढ़ तो जाएगा लेकिन डर लगेगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि वो छत पर चढ़ गई और फिर वहाँ अटक गई, फिर उसे समझ ना आए कि वो नीचे कैसे आए, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में पैनिक क्रिएट हो गया। ये खबर हमें घर पर मिली, और जैसे ही हमें घर पर मिली तो मैं और हमारी मेरी दी नीलम, दी आंचल और नीलम दोनों भागे भागे स्कूल आए, और हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें ये पूरी सिचुएशन नज़र आई है कि वो वहाँ छत पे अटकी हुई है, कूद नहीं पा रही है ना उस तरफ ना इस तरफ, और नीचे ऋषि लक्ष्मी मैं और दी हम सब परेशान हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि उसको कैसे निकालना है, कैसे बचाना है वहाँ से। पर ऋषि और लक्ष्मी तो यहाँ है ही, साथ ही पहुँच गए हैं नीलम और बाकी के घर वाले, जिन्हें हो रही है पारो की चिंता, लेकिन सभी लोग जुटे हैं उसे बचाने में। ऐसे में ऋषि पारो को छत से कूदने को कहता है, और जैसे ही पारो कूदती है ऋषि उसे कैच कर लेता है और बच जाती है पारो की जान। ऐसे में देखिए कैसे ऋषि पारो को गले लगाकर रो रहा है। वेल ऑफकोर्स वो नीचे आती है, उसका पैर फिसल जाता है और उसको उसके पापा विच इज ऋषि पकड़ लेते हैं। एंड ऑफकोर्स बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। अभी अभी हमें पता चला है कि पारो एक्चुअली ऋषि की बेटी है, तो वो हमारा खून है, हमारा घर का बच्चा है। अभी अभी हमने उसे एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करते ही ये इंसिडेंट हो गया है। बहुत ओवरवेलमिंग होता है एक फादर के लिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, पर स्पेशली एक फादर के लिए। तो हाँ, वो ऋषि और पारो का एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था जब उसने फाइनली पारो को पकड़ा और उसे बचाया। मुझे फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है, बिकॉज़ इतने सालों के गिले शिकवे हैं, उन्हें मिटने में शायद वक्त लगेगा, और कहते हैं ना खून खून होता है। अब पता चल गया है कि पारो उनकी ही ग्रैंड डॉटर है, तो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, तो उसे तो एक्सेप्ट कर लिया है, पर लक्ष्मी के साथ उस एक्सेप्टेंस लेवल पे पहुंचना मुझे लगता है अभी भी आसान नहीं होगा, उसको अभी वक्त लगेगा। भाई फाइनली पारो की जान तो बच गई, लेकिन ड्रामा अभी बाकी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।